नमः शिवाय। राधे कृष्ण दोस्तों, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी सीरीज में एक चला रहे थे कि ज्योतिष और जो भविष्य बताने के जो हमारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारा भाग्य और हमारा भविष्य जाना जा सकता है, उसमें कौन कौन सी प्रचलित ऐसी विद्याएं हैं जिस पर हम लोग विश्वास करके चलते हैं, जिसके पीछे हम अपने लग करके और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, उसकी अगली कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं लाल किताब की विद्या की। लाल किताब में वैसे तो बहुत भ्रम भी है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये अरब का ज्योतिष है और कुछ लोग इसे हिमाचल की प्राचीन विद्या भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि लाल किताब तो महज उपाय की किताब है और इस तरह के कुछ विद्वान इसमें कुछ उलझी हुई या रहस्यमय जो विद्याएं होती है उन्हें मान कर के कुछ इसको छोड़ भी देते हैं। वर्तमान में इस विद्या के जानकार भी बहुत हो चले हैं और लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को पूरी तरीके से अच्छी तरह समझ करके लोगों का भविष्य और लोगों के भाग्य को सुधारने में लोगों की मदद करते हैं। वैसे मूलतः जो है ऐसा माना जाता है कि यह उत्तरांचल, हिमाचल और कश्मीर क्षेत्र की ही विद्या है और इसे ज्योतिष के परंपरागत सिद्धांत से हट करके यदि हम बात करते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान वाली इसको माना जाता है। इसमें बहुत सारे जो उपाय हैं वो बहुत कठिन होते हैं, जिसको बिना कुंडली को देखे ही हम उपाय बता करके इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस विद्या के सिद्धांत को अगर एकत्रित करके सबसे पहले इस पुस्तक को प्रकाशित की गई थी, उस किताब का नाम था लाल किताब के फरमान। उस फरमान के माध्यम से इस किताब में जो है चीजें बताई गई थी और लोगों का आज भी कई लोग इस चीज को लेकर के विश्वास करते हैं। एक जो चलती है ज्योतिष जिसके माध्यम से जानते हैं वो एक गणितीय ज्योतिष है। इसे भी भारतीय विद्या को अंक विद्या जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रह नक्षत्र राशि जो है उनके एक अंक पहले से निर्धारित हैं और फिर जन्म के जो समय और तारीख और वर्ष है उनको जोड़ करके भाग्यशाली अंक और भाग्य जो दिन के जो अंक होते हैं, जन्मांक होते हैं, इनको निकाल करके उनका विवरण दिया जाता है और उसको उनके भाग्य से उनके भविष्य से जोड़ा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो जिनके माध्यम से प्रचलन में हैं कि इनके माध्यम से हमारा भविष्य, हमारा भाग्य हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शनिवार जुलाई 20, 2019 के पंचांग की, आज कृष्ण पक्ष श्रावण मास विक्रम संवत 2076 वर्षा ऋतु की तृतीय तिथि है, जो कि प्रातः 9:15 तक रहेगी, उसके बाद में चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज सूर्य भगवान है वो शाम सुबह 5:44 पर उदय होंगे और शाम को 7:21 पर अस्त होंगे। साथ ही चंद्रमा जो है शाम को 8:34 पर उदय होंगे। आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहेंगे, दिन भर कल प्रातः सूर्य। आज के दिन हम राहु काल की अगर बात करते हैं, जिसके अंदर जितने भी मांगलिक कार्य या नए कार्य जो निषेध माने जाते हैं वो जो मांगलिक कार्य के लिए राहु काल का समय आज प्रातः 9:08 से लेकर के और 10:50 का रहेगा। इसमें जो भी मांगलिक कार्य है उसको ना करें। यदि मांगलिक कार्य या किसी भी कार्य के लिए आज का समय श्रेष्ठ कौन सा है तो अभिजीत मुहूर्त हम इसको कर सकते हैं। ये 12:05 से लेकर के और 1 तक का इसका समय माना गया है। दिशा सूर्य की यदि हम बात करते हैं आज तो पूर्व दिशा आज की दिशा सूर्य मानी गई है और फिर भी यदि पूर्व दिशा में आपको जाना तो अदरक खाकर थोड़ी सी अदरक खाएं, उसके बाद आप निकल जाए, उसमें आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या है आपका लक्की नंबर और किस तरह के किस रंग के कपड़े पहनने से आज आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।
और क्या उपाय करने से आज आपका दिन श्रेष्ठ और अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज आप खुद को जो है बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे और आप किसी भी तरह का आज आपका जो काम है वो पूरा कर ही लेंगे। लोगों से आपको मदद भी मिलती रहेगी और दूसरों की बात को सुनने की भी आप कोशिश करेंगे। आपके दोस्तों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। आप उनके साथ कहीं घूमने की भी प्लानिंग करेंगे और किसी खास क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आज भी आप तत्पर रहेंगे। काम के प्रति समर्पण होने से अधिकारी वर्ग में आप वो जो लोग हैं वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। यदि हम शुभ अंक की बात करते हैं आज की, तो आपका अशुभ अंक है 4 नंबर और आपका जो शुभ रंग है वो है लाल रंग। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, पिताजी का माताजी का आप आशीर्वाद लें, बड़े भाई का या भाभी का आप आशीर्वाद लें, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। बात करते हैं हम वृष राशि। आज अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती में कुछ समय बिताएंगे और आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। आज आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। किसी भी नए ऑफर के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे और खुशियाँ कभी भी आपको मिल सकती हैं। सामाजिक कार्यों में आज आप सफल रहेंगे, उसमें आपका योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके कामों में चर्चा भी होगी और आपको कोई खास काम समय से पहले भी पूरा हो सकता है। कुछ लोग आपसे जो है सहयोग की भी मांग कर सकते हैं, घर पे छोटी मोटी पार्टी का भी आप आयोजन कर सकते हैं। साथ ही घर पर जो पार्टी का आयोजन होगा तो लोगों को आना जाना रहेगा, काफ़ी मन खुश रहेगा। आज आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 17 नंबर। लकी कलर है वो है ग्रे कलर रहेगा या फिर आपका भूरा रंग आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। आज आपको उपाय के तौर पे करना क्या है, मंदिर में चने की दाल आप दान करें, आज का दिन आपका श्रेष्ठ जाएगा, समाज में मान सम्मान। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी और पारिवारिक रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा, संचार साधनों में फायदे होने की संभावना है। आज ज्यादातर चीजें बहुत आसानी से आपको जो है सुरस्ती भी नजर आएगी, कुछ नए अनुभव आपको देखने को भी मिल सकते हैं। आज आप कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जिनसे पैसा कमाने की योजनाएं आप बना सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए आज और आपका जो स्वास्थ्य है, आज आपका जो लकी नंबर है वो नंबर है 1 नंबर और लकी कलर आपका है पिंक यानी कि गुलाबी रंग। इससे संबंधित चीज़ें अपने पास रखें, कपड़े पहने या कुछ रुमाल अपने साथ अवश्य रखें। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि। आज आपका दिन धार्मिक गतिविधियों में बहुत अच्छा बीतेगा। थोड़ा सा थकान आपको महसूस हो सकती है और आप बच्चों के साथ में भी आप थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। घर पर अचानक मेहमान भी आ सकते हैं और आपको सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और सुन करके आप उसमें अच्छा दिन बिताना चाहिए। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन पैसों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। कारोबार में धन लाभ की भी संभावना है। यदि आपका लकी नंबर देखते हैं तो 7 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा और आपका लकी कलर जो है वो है रॉयल ब्लू कलर, इससे संबंधित कपड़े। तो दोस्तों, आज आपको उपाय करना क्या है, मंदिर में हल्दी की गांठ आप दान करें, आपका दिन भी अच्छा जाएगा, खुशनुमा रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, संतान के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी और किसी पुरानी बात को लेकर के आपकी चिंता भी बढ़ सकती है, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक होने की संभावना है। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाने का विचार कर रहे हैं तो आज आप उस प्लान को टालने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके घर पर अपने बच्चों और परिवार के साथ में समय बिताइए। आपके संबंध भी बेहतर बनेंगे और घर में किसी समारोह का आयोजन भी हो सकता है। आपका जो कल लकी जो नंबर है वो 5 नंबर है और लकी जो कलर है वो है ब्राउन यानी कि गहरा भूरा। उपाय आज आपको क्या करना है, किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं या बिस्किट खिलाएं, आपकी जो परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी, दिन भी बेहतर निकलेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और सोचा हुआ काम अवश्य पूरा हो जाएगा।
आपको पैसे कमाने के लिए किसी नए तरीके आपको मिलेंगे, नए मौके आपको मिल सकते हैं। रचनात्मक कार्य कर रहे लोग जो कर रहे हैं उन लोगों को आज बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। आज आप रिश्तों पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को लेकर के कुछ विचार विमर्श भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे, उनके साथ आप मौज मस्ती कर सकते हैं। आज आप नए लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, नए मित्रों के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपका लकी नंबर है 8 नंबर और आपका लकी कलर है नीला। नीले रंग से संबंधित कोई सामान, कपड़े पहने या कोई रुमाल अपने साथ लाओ। अब बात करते हैं आज आपको उपाय क्या करना है। मंदिर में बेसन से बनी हुई कोई भी चीज दान करें, आज आपको धन लाभ भी होगा और आपका दिन अच्छा भी जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की तुला राशि। आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में जरूर सफल होंगे। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा और आज कोई खास काम टालने के भी योग आपके बन रहे हैं। कुछ बड़े सवालों में आपका मन उलझ सकता है। आपको किसी मामले में कोई बड़ा निर्णय भी आपको ले सकता है, किसी चीज को लेकर के आपकी बहस भी हो सकती है। इस राशि वालों के लिए कारोबार जितने भी जो करने वाले हैं उनको आप अच्छा फायदा भी मिलेगा और आप किसी दोस्त की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ खुशी के पल अवश्य व्यतीत करेंगे और रिश्तों में प्यार बना रहेगा। आपका जो शुभ अंक है वो 6 नंबर है और अच्छा लकी आपका जो रंग है वो सफेद रंग। सफेद रंग से संबंधित आप कुछ कपड़े पहने या कोई रुमाल आपके साथ। आज आपको उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर बहते जल में सफेद तिल आप प्रवाहित करें, आपकी सभी समस्याएं अवश्य दूर हो। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। आज आपका मन सामाजिक कार्य करने लगेगा और आप कुछ भावुक हो सकते हैं क्योंकि पुराने लोग आपसे मिल सकते हैं। जरूरी काम में दोस्तों का सहयोग मिलने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। जीवन में तरक्की मिलने से परिवार भी खुश रहेगा और आज आप खुद को बहुत ही सेहतमंद महसूस भी कर सकते हैं। सकारात्मक कुल मिला के अच्छे परिणाम मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। लोगों का मदद भी मिलेगी, उससे आप अपने आप को बहुत ही उत्साहित महसूस करेंगे। आपका जो लक्की नंबर है वो नंबर है 4 नंबर और लकी रंग जो है वो है लाल रंग। लाल रंग के कपड़े पहने या कोई रुमाल या कोई कपड़ा या कोई सामान या चीज उपाय के तौर पर आपको क्या करना है। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, दोस्तों के साथ में रहें, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा, अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं धनराशि। आज आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर के साथ में आप मौज मस्ती कर सकते हैं। पैसों के मामले में उन्नति के कुछ नए अवसर भी खुल सकते हैं। किसी से इस बारे में आप बात कर सकते हैं, कोई नई चीज आप सीखने के पूरी पूरी होगी। दूसरों की सलाह जो है वो आज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। नए दोस्तों की मुलाकात भी आपको बहुत मौज मस्ती दिलाएगी। आज किसी समारोह में आप जाने के योग हैं, बाहर घूमने के भी योग हैं। महिलाएं अपने दोस्तों के साथ में कुछ किटी पार्टी भी मना सकती हैं। जीवन साथी में कुछ आप अपने जो पत्नी हैं, आपके जो जीवन साथी है उसको आप उपहार आज आप उपहार स्वरूप दें, वो गिफ्ट करें। आपको व्यापार में लाभ के अवसर होंगे और स्वास्थ्य बेहतर बनने वाला है। आपका लकी नंबर है 3 नंबर और आपका लकी कलर है वो है ऑरेंज रंग। उपाय के तौर में अगर हम बात करते हैं तो आज आप वृद्धाश्रम में जाकर के कुछ जरूरत की चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ उपहार आप उनको दान करें। आपका दिन भी अच्छा जाएगा और संतान सुख से संबंधित कुछ अच्छी खबर आपको मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं मकर राशि। आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर के आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। बच्चों के साथ मनोरंजक कुछ यात्राएं भी आप बना सकते हैं। काम काज कुछ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी परेशानी आपको बढ़ सकती है और जो जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनका दिन आप सामान्य रहने वाला है, मौज मस्ती वाला फिर बहुत बात भी करेंगे। यदि सफलता पाने के लिए अभी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, किसी अनजान पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, पहले आप उसके बारे में जाने से देखें, उसके
बाद अपना मित्र बनाएं। आज आपकी जो जीवन शैली है वो कुछ अलग हटकर के हो सकती है, उसमें बदलाव भी आ सकता है। आज आपका जो लकी नंबर है वो 10 नंबर है और आपका जो लकी कलर है वो नीला, हल्का नीला कलर आपका लकी कलर। इनसे संबंधित जो है वो आप कपड़े पहने या कोई रुमाल, कोई चीज़, कोई सामान अपने साथ में रखें। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, अपने गुरु को उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट दें, उनका आशीर्वाद लें, इससे आपकी सभी समस्याएं तो दूर होगी ही होगी, आपका दिन बहुत ऊंचा होगा। कुंभ राशि की अब बात करते हैं तो आज के किए गए कामों में आपको बहुत फायदा होगा। परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा की भी आप यात्रा कर सकते हैं, किस्मत का साथ बना रहेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपके कई दोस्त अपने परिवार के साथ आपके घर भी आ सकते हैं। अचानक कोई आपको सरप्राइज भी मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा और आपका मन कुछ अगर मीठा खाने का करे तो अवश्य खा लें। आपका लकी नंबर है 18 नंबर और आपका लकी कलर है वो है काला रंग। इससे संबंधित कुछ कपड़े पहने या कोई रुमाल या कोई सामान अपने साथ में रखें, दिन काफी ऊर्जावान रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, दिन बहुत अच्छा और शुभ और ऊर्जावान आपका जाने वाला है। दोस्तों अंत में बात करते हैं मीन राशि। आज का कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका कांटेक्ट यानी उनके रिलेशन आपके बन सकते हैं, उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा, जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप समाज के कुछ लोगों को अपने फेवर में बदल सकते हैं, इससे आपके भविष्य में कुछ फायदा भी आपको मिल सकता है। आज आपको परिवार के साथ में कहीं बाहर अगर जाना पड़े तो जरूर जाना चाहिए, उसका प्लान आप लोगों से बनाना चाहिए। उनके साथ में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, वो जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार नए अवसर किसी के साथ किसी के सहयोग से अवश्य बने। आज आपका जो लकी नंबर है वो नंबर है 4 नंबर और आपका लकी कलर है वो है पीला रंग। पीले रंग से संबंधित कुछ कपड़ा अपने साथ रखें या फिर कोई शर्ट, कोई कपड़े, पैंट वगैरह कुछ आप पहने। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, चिड़ियों को दाना खिलाएं, उनको दाना दें, इससे आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। तो दोस्तों ये तो थी आपकी राशिफल, इसमें आपका दिन कैसा रहेगा, इसके अलावा आपको उपाय क्या करने चाहिए। अंत में हम बात करते हैं वास्तु। जैसा कि हम बता रहे थे कि यदि हम हमारा चाहे का मकान हम खरीद रहे हैं या फिर किराए का मकान खरीद रहे हैं तो प्रवेश के समय हमको क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो घर है वो आपके लिए मंगलकारी हो, समृद्धिकारी हो, सुखकर हो, सभी चीज़ें ऊर्जावान हो, सकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा वहाँ पर मिलती रहे। तो मंगल कलश के साथ नए घर में चाहे किराए का हो चाहे खुद का हो, मंगल कलश के साथ में आपको प्रवेश करना चाहिए। घर को बांदरवार, रंगोली और पूजों जो है फूलों के साथ में आप उसको सजाएं। कलश और नारियल पर भी आप कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नए घर में प्रवेश के समय उनके जो स्वामी और स्वामिनी हैं उनको 5 मांगलिक वस्तुएं, 5 मांगलिक वस्तुओं में नारियल हो गया, पानी वाला नारियल हो गया, पीली हल्दी हो गई, गुड़, चावल और दूध अपने साथ मिल लें और उनको एक साथ इकट्ठा करके और फिर दोनों उनको हाथ पकड़ के उसके बाद में प्रवेश करना चाहिए। उसी के साथ में भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो जो कि दक्षिणावर्ती, एक शंख हो, श्री यंत्र उनको साथ में रखे। इन सभी को अपने साथ में रख के ग्रह प्रवेश का जो शुभ मुहूर्त जो किसी ब्राह्मण के साथ में आपने करवाते हैं प्रचार के माध्यम से, उस शुभ मुहूर्त में उस प्रवेश आपको अवश्य करना चाहिए। इससे वो घर जो है वो आपके लिए मंगलकारी भी होता है, ऊर्जावान बनता है, सकारात्मक ऊर्जा उसमें मिलती है, आपका जो तरक्की है वो उसमें दिनों दिन दिन रात आपकी चलती रहती है। तो दोस्तों आज हमने जाना ज्योतिष की एक नए पहलू को लेकर के, साथ ही हमने ये माना कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और उपाय हमको क्या करने चाहिए। अंत में वास्तु में हमने भी ये समझा कि ग्रह प्रवेश के समय किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह की कुछ विशेष बातें हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एपिसोड के साथ में। राधे कृष्णा, नमस्कार।